marketing ya. Misal देखो कल अपने फ्लिपकार्ट पर रिएक्शन का वो स्टार्ट हो गया लास्ट है एल्डिहाइड और किटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में पांचवा बार स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या हो चुके हैं कंप्लीट कौन कौन से वे अब ध्यान दो भाई बर्निंग का हो गया किसी से कर देखो सब क्या विषय है कौन कौन सी पूरी हो गई देखो फर्स्ट जो कि तुम्हारे को डायनामिक्स नहीं होगा दूसरी नाम से जो प्रश्न मिले तीसरी ऑप्शन में जो कि अच्छे है बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको इन चारों में कोई प्रॉब्लम है एक बार सुन ले ध्यान से संडे को वही अपना 9 बजे अपन टेस्ट लेंगे 12वें लेसन का अब 12वें लेसन में तीन बार है एलडीआईड है तो मैं कार्बोस दिखाऊं तो कार्बोस का तुम्हारा सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा छोटा सा कार्बोस भी कंप्लीट निर्माण की कितनी होती पूरे एक दिन की क्लास के आज ही एलडीआईड कौन पूरा ठीक है तो संडे को 9 बजे पेपर होगा सुन ले बिल्कुल सुन ले खुलने की कगार पे तुम जो कॉपियां भेज रहे हो ना नाम उसके ऊपर लिख के भेजा करो नाम और क्लास ठीक है सेक्शन में कौन से सेक्शन में बायो में होगी मैथ में फिर उनके नाम मेरे पास लिख के मैं रख रहे टाइम में मैं अपनी बच्चों को क्लास के ऊपर लिख दूंगी जो टेस्ट देगी जो टेस्ट लिख देगी ना उसका भी यहाँ लेगा कोई काम नहीं समझ गए ठीक है इसके लिए पेपर आप लोगों को देना है अच्छे से याद कर ले शनिवार से पहले पूछ लेंगे उससे महिमा कोई दिक्कत हो तो सैटरडे से पहले सुन रहे हैं ना सभी सैटरडे से पहले आप लोग पूछ ले ठीक है आराम से सैटरडे तक का टाइम है आइडिया की तो की निर्माण की विधि भौतिक गुण रासायनिक अभिक्रिया किसी में भी समस्या हो पूछ ले अब देखो लास्ट पांचवी जो अभिक्रिया है अन्य अभिक्रियाओं के नाम से अपने इसको जानते हैं उसमें फर्स्ट जो आती है वो आती है अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया इसको समझो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं किसको है कल भी बताया था सी डबल बॉन्ड ओ को अपन कहते हैं कार्बोनिल समूह इस सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड के अंदर एक और तो सदैव हाइड्रोजन होती है तो इधर तो अल्फा कार्बन कभी होगा नहीं है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन होती है सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़े कार्बन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन है अल्फा समझ में आ गया बात ठीक से यह हाइड्रोजन अल्फा नहीं है तो क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया देखेंगे अपन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आती है वो है आपकी एल्डोल संघनन एल्डोल संघनन का मतलब समझ संघनन का मतलब जानते हैं दो अणुओं का योग जोड़ेंगे अपन दो अणुओं को तो जब जोड़ेंगे तो उत्पाद जो बनेगा उस उत्पाद में एल्डोल होगा एल्डोल मतलब एल का मतलब तो होगा एल्डिहाइड एल वर्ड का मीनिंग है एल्डिहाइड और ओल का मीनिंग क्या है ओएच एल्डिहाइड समझ गए मतलब बनने वाले उत्पाद में एल्डिहाइड भी होगा और ओएच भी होगा ठीक है उसी को अपन बोलेंगे एल्डोल संघनन तो आप ध्यान दो इसके अंदर सबसे पहले अब अपन देख रहे कोई भी ये ध्यान रखे एल्डोल संघनन की शर्त ये है कि जिस एल्डिहाइड का आप संघनन करवा रहे हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल नहीं दर्शाएगा जैसे अभी मैं ये ले रही हूँ ये फॉर्मेल्डिहाइड तो अब ध्यान दो इसके पास है क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो करके कार्बनिक नहीं है अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से तो ये नहीं दर्शा सकता एल्डोल संघनन इसके अलावा जैसे देखो बेंजाल्डिहाइड बेंजीन रिंग लगाने को कहे ये सी डबल बॉन्ड लो एच इधर तो है नहीं अल्फा और इधर देखो ये कार्बन तो है अल्फा और अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास नहीं है हाइड्रोजन का फिर किसका पूरा क्या तुमने हटा दिया है तो अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो इसे ध्यान दो दोनों ही एल्डोल संघनन नहीं दर्शाए समझ गए कुछ ले बैठ जाएंगे और बैंडियाड में एल्डोल संघनन क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन होने वाले के पास फिर एल्डोल संघनन कैसे हो ये हो गया अल्फा कार्बन ये सारे हो गए अल्फा हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड हो एच प्लस सेम ऐसा का ऐसा एक एल्डिहाइड हो गए यदि तुम दोनों समान प्रकार के एल्डिहाइड का संघनन करवाते हो तो उसका नाम होगा एल्डोल संघनन और
दो अलग अलग एनडीए हो गए, अगर दो अलग अलग एनडीए का कंसलमेंट करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस एड हो सकता है। अगली बात है क्रॉस का मीनिंग होता है भिन्न भिन्न प्रकार के एनडीए हो सकते हैं या एक एनडीए एक कीटोन भी हो सकता है, समझ गए। एक एनडीए भी ले सकते हैं दूसरा कीटोन भी, जैसे मैं अभी ये ले लूं ये ले लिया मैं, अभी भी एक क्रॉस एड हो, समझ में आ रही बात। कीटोन में एनीटोन से क्रॉस कीटोन या कीटोल संबंध, कीटोन में दो समान प्रकार के कीटोन लेने के, क्रॉस कीटोन के अंदर दो अलग अलग कीटोन लेने के, लेकिन वो नहीं अपने को एड ऑन लिए तो ध्यान दे। अब हम करवाते हैं जैसे मैकेनिज्म भी इसकी कोर्स में है, इसलिए दोनों चीज ध्यान से समझ ले। सबसे पहले क्रॉस एड ऑन संबंध करवा के बेटा, एड ऑन संबंध क्षार की उपस्थिति में होता है, कोई भी क्षार में एनए हो एच के हो एच, ठीक है। करवाना क्या है ध्यान दो, एक एनडीआई की को ध्रुवता बाहर निकाल दो, ध्रुवता का मीनिंग ऑक्सीजन की ऊष्मा ज्यादा है, बंधक इलेक्ट्रॉन को अपने आप खींचे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, तो कार्बन पे कौन सा आएगा प्लस, समझ गए। और एक की अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं, एक इसकी अल्फा, एक एनडीआई का कार्बोनिक समूह तो दूसरे की निकालनी है अल्फा हाइड्रोजन, ये देख ऐसे लिख सकते हैं एक हाइड्रोजन में बाहर निकल, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाएगी तो देते ही कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, क्योंकि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक हाइड्रोजन पे अपना दे दे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे पांच, पांच होते माइनस का चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस। अभी तो इसकी क्रियाविधि भी समझे, अब बेटा प्लस माइनस को छोड़ दो कुछ नहीं करना, देखो ये क्या है सी एच थ्री, फिर इधर चलो ये क्या है सी, इसने इस बंद को खींच लिया और ये वाला बंद को टूट गया, कार्बन पे प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस, पता तो इधर पे प्लस माइनस क्यों आता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों से यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए तो प्लस आता है, ज्यादा हो जाए तो माइनस आएगा। अब ये देखो एक बंद ऑक्सीजन पूरा का पूरा बंद खींच के ले जाएगी, तो अब तुमको देखो खींच के ले मतलब दो चार इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले पड़े थे और दो उस बंद के और आ गए, इलेक्ट्रॉन दो दो चार दो चार कितने हो गए सात, सात होते हैं ऑक्सीजन भी माइनस आ जाएगा और कार्बन के पास एक दो तीन ही रहे सी ए प्लस आ जाएगा, समझ गए। तो अब देखो क्या करना है, कार्बन पे प्लस है तो उसके साथ तुम्हें जोड़ना है ये माइनस वाला होगा और ऑक्सीजन पे माइनस है तो उसके साथ जोड़ना है ये प्लस वाला, सी आ गया बोलो ओ के साथ क्या मिलेगा एच, आगे चलो ये रहा कार्बन का हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा, इस कार्बन प्लस के साथ जोड़ना है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड ओ एच, CH2 C डबल बॉन्ड ओ एच, ये देखो ये रहा एंड और ये रहा बॉन्ड, बन गया एंड ऑन, ठीक है। ऐसा उत्पाद बनेगा जिसमें एनडीआईडी भी होगा ओ भी होगा, इसी का नाम है एंड ऑन। लेकिन ये अभी क्या अभी आगे और होगी, कैसे होगी कि OH जो है वो क्या करेगा OH माइनस के रूप में बाहर जाएगा, जैसे OH माइनस के रूप में बाहर जाएगा तो दोबारा बोलो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस आते ही दोबारा एक अल्फा हाइड्रोजन और ये लिख दी मैंने अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये OH माइनस का और ये H प्लस बार H2O चला जाएगा यहाँ तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड सी एच और ये आ गया तुम्हारे पास सी एच ओ, क्या है इसका ये नाम बता सकते हैं इसका चार कार्बन का, क्या है चार कार्बन का ब्यूट 1 2 3 4, टू के ऊपर क्या है ई और 1 के ऊपर क्या है एल, आगे बात अच्छे समझ में ब्यूट 2 E 1 L, आगे तक से बात समझ लिए ध्यान दें, ठीक है। और देखो अब अपन इसकी पढ़ते हैं क्रियाविधि, क्रियाविधि में बहुत पहले जब लार्वा लेसन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया हुआ है प्रत्येक लेसन में इनके क्रियाविधि, जैसे लार्वे में किसकी क्रियाविधि पढ़ी थी तुमने निर्जलीकरण वाली पढ़ी थी, 443 केल्विन तापमान पे निर्जलीकरण की क्रियाविधि पढ़ी थी अपन ने, अब बारवा लेसन है इसके अंदर है एल्डिहाइड और कीटोन की एल्डोल संबंध की क्रियाविधि, और अभी कार्बोक्सिल अम्ल ये तो थे एल्डिहाइड कीटोन वाले बाद में,
और एक ऐसी कार्ड बॉक्स से कम के अंदर भी कार्ड बॉक्स के अंदर कोई भी ये पूरी नहीं किया तो आप क्रिया विधि में कितने चरण होते हैं तीन चरण सिखाया हुआ है प्रथम चरण सदैव किसका होता है प्रेरक का ये देखो दिशा को याद होगी साइड का प्रथम चरण प्रेरक का होता है तो देखो ये किए इसे बना कैसे ये वाली चीज कैसे बनेगी इसकी क्रिया विधि हम पढ़ते हैं तो ध्यान दो प्रथम चरण होता है उत्प्रेरक का इससे फर्स्ट क्रिया विधि का होगा उत्प्रेरक का उत्प्रेरक कौन सा ले रखा है OH माइनस हमेशा ध्यान रखो किसी भी क्रिया विधि में ध्यान रखना प्रथम चरण सदैव उत्प्रेरक का ही होता है ठीक है और होते क्या है उत्प्रेरक उत्प्रेरक वे जैव रासायनिक अणु होते हैं जो केवल और केवल अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते अंत में देखते हैं ना अपने को वापस जैसे एच प्लस दिया था और एच प्लस अंत में वापस मिल गया ये ओ एच माइनस किया ओ एच माइनस दोबारा मिल जाएगा तो तुमने कितने अणु ले रखे बनाए एड के बोन ये तो मैंने संकलन करवाने के लिए क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस में हो जाएगा एड ऑफ करवा दो एड ऑफ ये दो अणु लिए थे मैं उसमें से प्रथम अणु ले लिया मैंने ये रखना अब देखो काम क्या है एड हाइड्रोजन का देखना कितना बड़ा रोल होता क्या ये OH माइनस होता है जो कि उस अल्फा हाइड्रोजन को प्रेरित करता है जाके वरना अल्फा हाइड्रोजन की मर्जी से नहीं भागती है यहां से OH माइनस जाके कहेगा कि ये देखो मैं माइनस के रूप में हूं तो किस रूप में बाहर आ जा प्लस के रूप में अब प्लस के रूप में आएगी देखो ये इस तरीके से है ये रहा हमारा CH3 तीनों अल्फा लगी है एक अल्फा हाइड्रोजन को उकसाएगा उकसाते ही अपने बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ले जाएगी अभी तो देखो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं चार अब ये इस बंद के पूरे बंद के कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे यहाँ दो दो लगते इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई पांच कार्बन में कौन सा चार इलेक्ट्रॉन माइनस आगे पास बंद में तो ये इस OH माइनस जाते ही आक्रमण करेगा इस एक हाइड्रोजन पे आक्रमण करते ही हाइड्रोजन क्या करेगी एच प्लस के रूप में बाहर समझ में आ रही बात अच्छे से जैसे मान लो इसके आक्रमण कराया तो मैं इसी को बाहर निकाल तो अब देखो हुआ क्या हुआ ये कि सी और कार्बन के पास हो गए दो इलेक्ट्रॉन अन्य हो गया एच टू सी डबल बॉन्ड दो एच और इसके ऊपर चार्ज कौन सा लग गया माइनस माइनस भी लगा सकते हैं चाहो तो ये दो इलेक्ट्रॉन हटा दे सकते जब देखो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पांच समझ गए ढंग से ठीक है अब क्या प्लस के रूप में क्या बाहर चला गया एच टू ठीक है अब बेटा ये जो बना है इसको अपन कहते हैं इनोलेट आयन ये क्या है इनोलेट आयन तो तुम पद नंबर एक का नाम इनोलेट आयन का निर्माण लिख सकते समझ में आ गई बात इनोलेट आयन इनोलेट आयन अनुनादी संरचना से स्थाई हो जाता है कैसे अनुनाद दर्शाएगा देखना है ये अनुनाद का चिन्ह देखो ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा है खींच लाएगी तो दो इससे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस आएगा प्लस आप इसके पास पड़ा है ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो इधर दे देगी देते ही आर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो देखो क्या हुआ सी एच टू डबल बॉन्ड सी तुम चाहो तो हाइड्रोजन को इधर भी लिख सकते हो ऐसे ये देखो ऐसे लिख सकते हो ऐसे इधर घुमा दो इसका ताकि तुम्हें पता रहे इलेक्ट्रॉन की जगह ये ठीक है CH2 यहाँ बन रहे थे डबल बॉन्ड हो जाएगा ये क्या हो गया सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास छह इलेक्ट्रॉन पहले तो चार ही थे अब दो इस बंद के ओर आ गए छह हो गए तो चार्ज क्या आएगा माइनस और उधर लगी थी तुम्हारी बैच यदि दोबारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दो कि देगी तो दोबारा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो ऊपर वाली संरचना बन जाएगी समझ गए तो प्रथम चरण में हो गया इनोलेट का निर्माण अब ये इनोलेट द्वितीय क्वेश्चन में स्टेप आएंगे अब सेकंड अब कौन सा अणु आएगा एडिहाइड का दूसरा अणु चलते हैं दूसरे अणु के पास ये रहा अपना दूसरा अणु CH3 C डबल बॉन्ड OH अपने को पता है कि कार्बन के समूह में ध्रुवता पाई जाती है वाहकों पर नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं में पढ़ चुके थे पढ़ा था ना कि ध्रुवता होती है कार्बन समूह में जब भी तो वो नाभिक स्नेह आक्रमण करता है कार्बन पे अब
अगली बार बताइए अपना नाभिक स्नेह कौन है, तीनों लेग है, ठीक है। नाभिक स्नेह किसको कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं, माइनस वाले। ये रहा हमारा नाभिक स्नेह, किसके ऊपर आक्रमण करेगा, कार्बन के ऊपर। समझ में आ गई बात, तो देखो जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा ये CH2 C डबल बॉन्ड को H चार्ज है माइनस, जाके आक्रमण कर देगा कार्बन। करते ही देखेंगे कि क्या बना, ये रहा CH3, ये रहा C और ये आ गया ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस और 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि क्रिया विधि समझाओगे ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा लिख कर ही आती, समझ रहे हैं बात अच्छे से। ये आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर बेटा कौन आक्रमण कर देगा, इनोले CH2 C डबल बॉन्ड हो H, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये हो गया पद नंबर दो, अब आएगा पद नंबर तीन। तो तीसरे पद में किसका आक्रमण होगा, O माइनस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, ठीक है। H प्लस कहाँ से आएगा, H प्लस ये बनाना ना H2O ये रहा, ये H2O वापस उठेगा इसमें H प्लस में OH माइनस, OH माइनस तो प्रेरक है वो तो अभिक्रिया में मुक्त हो जाएगा वापस, और H प्लस आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से OH माइनस बढ़ भी हो गया, ठीक है। तो स्टेट करंट में H प्लस का आक्रमण होगा, कहाँ से आएगा, H2O जो है वो H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा, और ये H प्लस जो है वो तो आक्रमण कर देगा उस ऑक्सीजन पे। ऊपर ले रही हूँ मैं CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसके ऊपर आक्रमण किसका होगा, H प्लस का, और OH माइनस अभिक्रिया के अंदर जो प्रेरक था वो वापस मुक्त हो जाएगा। तो आक्रमण करते ही आपके पास बन जाएगा OH H CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका O, क्या बन गया, एल्कोहल। आगे बात करते समझ में, ये बन गया एल्कोहल सम्मेलन की क्रियाविधि। अब आगे और करवाना चाहिए, आगा की क्रिया करते तो यही तक है, पर आगे और करवाना चाहिए तो और करवाएंगे कैसे, ये वो एच माइनस नीचे का बदले इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के इधर आक्रमण करवा देना तो क्या बन जाएगा, डबल। आगे बात अच्छे समझ में, ये बेटा हो गया एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एग्जाम में अक्सर किया गया है, क्या होता है इसका क्रॉस एल्कोहल किसको कहते हैं, अलग अलग प्रकार के दो एल्डिहाइड, ठीक है। एक जैसे मान लो ये एसिटाइड एल्डिहाइड है, एक प्रोपाइल एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड एक प्रोन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उनका संघटन बिल्कुल इसी तरीके से करवाना है, एक का प्लस माइनस होता निकाल देना, दूसरे के हाइड्रोजन बाहर निकाल के प्लस माइनस को जोड़ देंगे, समझ रहे हैं बात। अब देखो ये तो था अपने एल्कोहल संघटन, इसकी अभिक्रिया है ये अल्फा हाइड्रोजन, और बताओ अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया तुमने कौन सी पढ़ी है, और मुझे अभिक्रिया भी पढ़ाई है क्या, मैंने तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन की पढ़ाई थी ना ऑक्सीकरण के अंदर, कौन सी पढ़ाई थी ऑक्सीकरण में अल्फा हाइड्रोजन की, एक अभिक्रिया मैंने ऐसी पढ़ाई थी ऑक्सीकरण के अंदर जो एल्डिहाइड भी दर्शाएंगे और कीटोन भी दर्श, कौन सी थी बताओ, ऐसे मैंने तुम्हें की अभिक्रिया हेलो कार्बन सिखाई थी, हेलो कार्बन अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया होती है, एलो कार्बन अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया है, एलो कार्बन याद आया, जिसके पास अल्फा होगी ना वही एलो कार्बन दर्शाएगा, जिसके पास अल्फा होगी वही एल्कोहल संघटन दर्शाएगा, ठीक है। देखो जैसे मैं उदाहरण दूं, हेलो कार्बन का मीनिंग हेलोजन से अभिक्रिया करवा दो किसी भी हेलोजन से, अब जितनी अल्फा हाइड्रोजन है उतनी हाइड्रोजन ले लेंगे, कितनी है तीन, तो तीन सी एड लगा दे, यहाँ लगाते ही तीनों हाइड्रोजन किस रूप में बाहर जाएगी, HCl के रूप, तीन हाइड्रोजन तीन सी एड तीन HCl बाहर, और तीनों सी एड यहाँ जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CCl3, ये बन गया CCl3 का रिवर्स, और ये Cl2 यही बना, तीनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मुख्य तीन हाइड्रोजन की जगह तीन सी एल हो गए,
और तीन आइटम तुम तीन सीएल के साथ तीन एसएल बार चुके छह सीएल है ना टोटल। अब इसमें चार डालेंगे ये डाल दिया मैंने चार डाल दी ये वाला भी टूटेगा जिधर सीएल जुड़ा था वो वाला बाजू का उनका भी टूटेगा टूटे चार के आइटम तो इसको मिल जाएगी कार्बन तो मिल जाएगा सीएल थ्री कौन सा है वो कौन है ये क्लोरोफॉर्म यदि सीएल से क्या करो तो येलो कार्बन में बनेगा क्लोरोफॉर्म पीआर तो देखो ब्रोमोफॉर्म आई लेंगे तो आई लोगो समझ गए येलो कार्बन का सूत्र होता है सी एच एक्स थ्री ये होता है येलो कार्बन सीएल लगा दोगे तो क्लोरोफॉर्म पीआर ब्रोमोफॉर्म आई आई लोगो ठीक है प्लस ओ एन ए बचा इसके साथ मिल जाएगा उन्होंने कहा एस सी डबल बॉन्ड हो ओ एन ए सोडियम फॉर्मेट तो ये अभिक्रिया भी हेलोकार्बन अभिक्रिया भी कौन दर्शाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन या हेलोकार्बन दो जगह पढ़ा दी मैंने तुम्हें एक ऑक्सीकरण में पढ़ाई थी पढ़ा था आपने ऑक्सीकरण की विधि में कि जब अपन क्या करवाते हैं एल्डिहाइड लिया एल्डिहाइड के हेलोकार्बन को क्या दर्शा देंगे एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे ठीक है वो एल्डिहाइड दर्शाएंगे जिसके पास अल्फा फॉर्मेलिया बन चली है ना वो नहीं समझ गए ढंग से तो अब दो अभिक्रियाएं हैं तो वो पढ़ी तुमने जो कि केवल और केवल उनकी होगी उन एल्डिहाइड की होगी जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो अब बेटा कोई अभिक्रिया तो ऐसी भी होनी चाहिए ना जो कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड के पास नहीं है उनके अंदर भी हो तो उन एल्डिहाइड जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है अब तुमने कहा फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है नहीं है बेंजल्डिहाइड ले लिया तो ओके मैडम उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो फिर ये दोनों बेचारे ना तो कैन जा ना तो एलो बार में क्या दर्शा सकते और ना ही एल्डो संकरण कर सकते इनका एल्डो संकरण भी नहीं तो फिर इनका क्या होगा इसीलिए कैनी चारो अभिक्रिया इनके लिए दी गई है कैनी चारो अब देखो कैनी चारो अभिक्रिया किसके लिए है अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर नहीं है वो एल्डिहाइड दर्शाएंगे कैनी चारो के लिए समझ गए वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है वो कैनी चारो अभिक्रिया दर्शाते हैं अब कैनी चारो अभिक्रिया क्या होगी कैसे याद रखोगे कैनी चारो ध्यान दो एग्जाम में भूलो नहीं जैसे राइमर कोलबे क्रिस पुनर्विन्यास फ्रीडल क्राफ्ट याद है प्रत्येक शब्द का मतलब जैसे मैं अभी क्या का नाम ऊपर दिमाग में भी क्या चल जाए कोलबे बताया था मैंने बेस के साथ क्षार के साथ फिर CO2 के साथ फिर जल के साथ राइमर इसके साथ अभी क्या होगी दिमाग में राइमर क्लोरोफॉर्म के साथ अरे राइ की तरह करना बताया तो था कुछ देर के लिए बेहोश होने वाला क्लोरोफॉर्म होता है तो ये चीज ध्यान रखो वैसे ही शब्द का मतलब देखो कैनी जाओ कैनी कैन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में कैन कैन का मतलब कर सकते बोलते हैं ना हो सकता है कैन का मतलब यू कैन डू इट मतलब तुम ये काम कर सकते तो कैन का मतलब कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं कौन दर्शा सकते हैं ये अभिक्रिया जो कि हेलोपार नहीं दर्शा सकते हेलोपार नहीं होता जिसमें किसमें एलोन हुआ वो ये अभिक्रिया दर्शाएंगे कैनी का मतलब तो हो गया दर्शा सकते हैं जो कि एलोवार और एलोमिन दर्शाएं मतलब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है ठीक है ध्यान दो कैनी जारो अब दो शब्द का मतलब ध्यान जैसे बोलते हैं ना कैनी जारो तो कैनी जारो बोलते हैं तो अपने उसे उच्चारण जो है उसपे सबसे ज्यादा जो किस पे लग रहा है लग रहा है कैनी जारो तो वो दो शब्द वही शार की उपस्थिति होगी सब कुछ वही है पर तुम देखोगे कि एक की तो दुबता बाहर निकाल देते हैं और दूसरे की क्या बाहर निकालते हैं अल्फा पर इसके पास अल्फा नहीं है तो कहां से निकालेंगे अल्फा तो इसीलिए इसमें एंडोर नहीं होगी तो इसमें होगी कैनी जारो और रो का भी लिखते हैं कि एक दो अणु होंगे उसमें एक अणु का तो रे का भी क्या करवा दो रिडक्शन करवा दो रिडक्शन का मतलब क्या होता है अपचय
तो बताओ ऊपर जाके क्या बन गया ये CH3 नीचे जाके क्या बन गया OH तो एक उत्पाद बन गया CH3OH प्लस एक का क्या करवा दो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का रुकना NDI का ऑक्सीकरण होने पे क्या बनता है अपना अम्ल बन गया समझ गए ये ऑक्सीजन यहां पर जाएगी सीधी सीधी तो क्या बनेगा आ गया समझ में
हम इसका ऑक्सीकरण हो सकता है, जो छोटा समूह होगा उसका सदैव ऑक्सीकरण होगा। कारण ऑक्सीजन हमने को पता है प्रबल विद्युत त्रिणी होती है, प्रबल विद्युत त्रिणी इसलिए सरलता वाला काम करेगी। जो छोटा समूह होगा उसके पास जाकर के तुरंत उस पर आक्रमण कर देगी। बताओ दोनों में छोटा समूह दिख रहा है, ये दूसरे नंबर वाला फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है, इसके पास छोटी सी हाइड्रोजन है, इसके पास एनएच है, तो इसीलिए ध्यान रखिए जो छोटा समूह है उसके साथ जुड़ेगी ऑक्सीजन, मतलब उसका होगा ऑक्सीजन, और बड़े वाले बाधित समूह के साथ जाएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाई पर तो काम करने के लिए। तो यही एक पाई पर फोन पर एक ऊपर लगा देना एक नीचे, तो क्या बन गया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बन गया CH2OH प्लस के अंदर फॉर्मिक अम्ल। क्या है ये, बहुत बार पढ़ा गया तो नाम आ जाना चाहिए इसका, कौन बताएगा दिनेश, चंचल वर्मा 12th बायो, क्या नाम है बेटा इसका जो मैंने लिखा है रोज कंपाउंड, महिमा, आज पूछा नहीं ना इसने, महिमा ने आंसर दिया है पहले, बोलिए मैडम मुझे भूल गई याद नहीं कर रही है, महिमा सही आंसर है बिल्कुल बेंजीन एल्कोहल, कितनी बार बता दी बात, OS का कार्बन के sp3 संकरण और उसके आगे आने वाले पर sp2 संकरण बेंजीन एल्कोहल है, ठीक है बिल्कुल सही है। ये बेटा आपने कंप्लीट हो गई क्रॉस के एग्जाम होगी, लेकिन अब देखो लास्ट अभी दिया बची है एलडीएम की बहुत पूरा हो जाए। अब देखो हुआ क्या, देखो एक उसने पढ़ा एल्डोल संकरण, मतलब समझते आज किताब में घर जा करके ये सारी चीजें, देखो नियम ये कहता है पढ़ाई का सबसे अच्छी केमिस्ट्री ब्रीफ पहले दिन बच्चों को पढ़ाया था, तो पूछना किस तरीके से पढ़ा, जो आज पढ़ा दिया वो आज ही पढ़ना है, यदि आज पढ़ाया हुआ चार दिन बाद पढ़ोगे तो फिर डाउट रहेंगे दिमाग में, आज पढ़ाया हुआ आज ही पढ़ लोगे ना घर जाके, तो जो भी दिक्कतें आएंगी वो मेरा कहा वो नहीं याद भी रहेगा, रिकॉर्डिंग एक बार सुन लिया करो, उसके बाद में तुरंत आप दूसरे दिन उसका प्रश्न पूछिएगा कि वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। बेटा एल्डोल संकरण और एक मैंने हेलो बार ये दो अभी क्या पढ़ाई, दोनों के अंदर बताओ क्या शर्त थी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों की शर्त यही है ना, फिर मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये जिनके पास अल्फा नहीं है वो तो बेचारे कुछ करे, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो वो क्या दर्शा देंगे, वो कैनी वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं रो, रो का मिले अपचय रो ऑक्सीकरण कर सकते, दो यौगिक ले लेना एक का अपचय और एक का ऑक्सीकरण करवा लेना। फिर मैंने इसी में पढ़ा क्रॉस कैलिजारो, क्रॉस कैलिजारो के अंदर अपन अलग अलग प्रकार के दो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले यौगिक, इसमें जो बड़ा होगा उसका अपचय होगा, जो छोटा होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। अब आई टिशेंको अभी दिया, ये देखो और भी कमाल की है, टिशेंको अभी दिया क्या कहती है, देखो कि टिशेंको इन दोनों को मिला लेगी, ये कहेगी मैं अकेली एल्डोल संकरण हेलो बार अभिक्रिया कब दर्शाती है, जब उसके पास क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन, ये सोचती भाई अपने पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अपन क्या करेंगे ध्रुवता दिखाएंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन आएगी तो प्लस माइनस होगी, मैं भी तो क्या कर सकती हूँ रिडक्शन और ऑक्सीकरण दिखा सकती हूँ, तो अपचय और ऑक्सीकरण टिशेंको में कौन दिखाएंगे, जिनके पास क्या होगी अल्फा हाइड्रोजन, कैनी जातों में टिशेंको में फर्क पता है क्या है, कैनी जातों में अपचय और ऑक्सीकरण उनका होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टिशेंको में ऑक्सीकरण और अपचय उनका होगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी, समझ गए। अब देखो जैसे ये ले लिया और ध्यान से सुन लो, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रश्न बनाने का तरीका है, ये लिखा हुआ है और यदि तीर के निशान पे लिखा हुआ गया OH माइनस शार्प NaOH के OH तीर के ले लिया, तो तुम देखते ही समझिए राहुल अब क्लास लेने के लिए जुड़ा है 5 मिनट की क्लास लेने के लिए। अब देखो निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करे लिखा हुआ गया, तुम देखते ही समझ जाओगे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पूरा लाल डबल बॉन्ड
ऑक्साइड किसको कहते हैं ये एल्क ऑक्साइड ये फिर ऑक्सीजन को आरओ माइनस को बोलते हैं ना एल्क ऑक्साइड पढ़ा था एल्कोहल वाले पार्ट में एल्क ऑक्साइड एल्क की जगह एथिलीन या एल्क ऑक्साइड अब ए एल्क ऑक्साइड माइनस ए होता है और एल्युमिनियम में कितना होता है प्लस 3 तो कितने लेने पड़ेंगे एल्क ऑक्साइड 3 लेने पड़ेंगे यदि 3 के निशान पे लिखा हुआ आ जाए ओ सीक्वेंस का एक 3 आ गया ये एल्युमिनियम एल्क ऑक्साइड और ये का ही आ गया आप सुन लो ध्यान से ये एल्डोल नहीं है ये क्या है डिशेंको है डिशेंको कहती है तू जैसा कर रहा है ना वैसा मैं भी कर सकता हूं तेरे जैसा मैं मतलब तेरे जैसा मतलब किसकी जैसा कहीं जाओ के जैसा तो डिशेंको में क्या होगा ये प्रेरक लगते ही एक का तो अपचयन करवा दो और एक का क्या करवा दो ऑक्सीकरण करवा दो समझ गए तो इसका अपचयन करवा दो क्या करेगा CH3 एक हाइड्रोजन ऊपर दे दो CH2 एक इसको दे दो OH प्लस उसका क्या करवा दो ऑक्सीकरण तो CH3 C डबल बॉन्ड हो OH आगे बात अच्छे से समझ में तुम्हें सब प्रेरक देके ही करना आएगा ठीक है यदि ये दिया हुआ है कि भाई और फिर Cl प्लस के अंदर Cl दे दे या Br दे दे भाई जब समझ जाओ तो कौन सी अभी क्या है एलो का तो किशन को दी गया एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में वे एल्डिहाइड या ब्रोमोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी उसमें एक का अपचयन होगा और एक का क्या होगा ऑक्सीकरण समझ गए कैनी जाओ मतलब कैनी कर सकते हैं रो का मीनिंग रिडक्शन ओ का मीनिंग ऑक्सीडेशन वो कर सकते हैं जिनके से कुछ नहीं आया मतलब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड ठीक है ये बेटा अपने एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन का जो भाग था चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया समझ गए ढंग से दिक्कत है किसी को कुछ भी इसकी समरी सारांश में जो कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ये जो आज तक का भाग हो गया ना आज का पीडीएफ फेसबुक कॉपी में काम कर लूंगी समझ गए कोई दिक्कत हो पूछ ले बोलो फटाफट किसी को किसी अभिक्रिया में प्रॉब्लम है क्या अपन कल का वापसी का हम स्टार्ट करेंगे आज पढ़ लेना ये सब एल्डोल एलोबार्ब कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो टिशेंको